रुक करेंगे अब प्रदेश की ओर। हिमाचल प्रदेश आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी परिषद की एग्जीक्यूटिव बॉडी की बैठक घुमारवीं में परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर विक्रम आदित्य की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में विशेष रूप से डॉक्टर के शर्मा मौजूद रहे। बैठक में सभी जिला के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय पारित किया गया कि परिषद गत दिसंबर में स्वास्थ्य मंत्री के साथ हुई बैठक में प्रस्तावित मुद्दों को लेकर सरकार से चर्चा करेगी। हिमाचल आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी परिषद की एग्जीक्यूटिव बॉडी की बैठक घुमारवीं में परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर विक्रम आदित्य की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इसके अलावा विशेष कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर के शर्मा बैठक में विशेष रूप से मौजूद रहे। बैठक में सभी जिला के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय पारित किया गया कि परिषद की गत दिसंबर में स्वास्थ्य मंत्री के साथ हुई बैठक में प्रस्तावित मुद्दों पर सरकार से चर्चा की जाएगी। परिषद की मांगों में विभाग में कार्यरत आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों की सेवानिवृत्ति उम्र 50 से बढ़ाकर 60 साल की जाए। इसके अलावा आयुर्वेदिक चिकित्सकों को अन्य चिकित्सकों के समान मानदेय दिया जाए। बैठक में निर्णय लिया गया कि हर जिला में राज्य कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की जाएगी, जो राज्य कार्यकारिणी के सदस्यों की अध्यक्षता में संपन्न होगी। एवं परिवार कल्याण मंत्री तथा ये जो हमारे आयुर्वेद मंत्री हैं श्री विपिन सिंह परमार, इनके साथ एक अति शीघ्र एसोसिएशन की मीटिंग करें। और इसके सिवाय अभी कुछ एक दिनों से हमारे डिपार्टमेंट की भी बहुत सारी खबरें जो हैं वो पत्रों में आ रही हैं, तो उसका भी एसोसिएशन ये कहती है कि इनको भी सुलझाया जाए। डाला है, हम बहुत समय से बोलते भी आ रहे हैं कि इससे हमारे विभाग में जो नए लोग आ रहे हैं या नए डॉक्टर्स आ रहे हैं, और दूसरा जो विभाग में पहले से भी कार्यरत डॉक्टर हैं, उनको सेवाएं अपनी सेवाएं तो दे रहे हैं, लेकिन उनको इससे आर्थिक रूप से बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है और उनके स्केल में बहुत ज्यादा कमी पाई जा रही है। तो इसके लिए भी हम लोग सरकार से एक निवेदन करने वाले हैं कि इसको बढ़ाया जाए और इसको जो है ये राइडर की जो 2 साल की कंडीशन है सरकार इसको समाप्त करे। इसके सिवाय एसोसिएशन के अधिकारियों ने यहाँ पर सभी माननीय सदस्यों ने एक और रेजोल्यूशन आज यहाँ पर लिया है कि जितनी भी एसोसिएशन की अब जो मीटिंग्स हुआ करेंगी आज के बाद, वो प्रत्येक जिला में समय समय पर हर महीने की जाएंगी। और इसके लिए एसोसिएशन के विभिन्न पदाधिकारी और इसके सिवाय जो विशेष आमंत्रित सदस्य हैं उनको राज्य एसोसिएशन की तरफ से नॉमिनेट किया जाएगा कि वो उन मीटिंग्स में जाएं और उन मीटिंग्स का वहां पर वो संचालन करें विभिन्न जिलों में।